हेलो, वेलकम बैक टू ओल्ड डीटीएच यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्सल के बारे में जो हमारे पास आया हुआ है पानीपत से। तो अभी इसे खोलेंगे, मैंने इसे पहले ही खोला हुआ है। इसके अंदर देखते हैं क्या निकलेगा। ये इसके अंदर ये कार्ड निकले हैं, ये कार्ड है, इसके पीछे लिखा हुआ भी है चालू नहीं हो रहा है। और फिर एक ये कार्ड है, इसके पीछे लिखा हुआ है नो सिग्नल। और फिर एक ये कार्ड है, इसके पीछे लिखा हुआ है रेड लाइट से आगे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के इनमें से किसी दो कार्ड के बारे में बताएंगे। तो पहले ये कार्ड लगा लिया मैंने, तो इस पे लिखा हुआ था ये कार्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम चेक करते हैं, ये बिल्कुल नया ही कार्ड है वैसे। अब हम इसका स्विच वाला पॉइंट शॉर्ट करेंगे पहले। ये जो है ये इसका स्विच का पॉइंट दिया हुआ है। ये हमने इसे शॉर्ट कर दिया, देखिए, और ये ऑन हो चुका है। मतलब जो कस्टमर था उसने स्विच का पॉइंट बिना शॉर्ट करे ही कार्ड को ख़राब बता दिया। कोई दिक्कत नहीं, कार्ड हमारे ये ऑन है। हम चेक कर लेते हैं बाकी से कंप्लीट। अब टीवी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कार्ड पूरी तरीके से वर्किंग है। बस इनमें ऑटो सर्च करना है चैनलों को, बाकी कार्ड में कोई कमी नहीं थी। सिर्फ स्विच वाला पॉइंट शॉर्ट करना था, जो कि कस्टमर ने नहीं किया होगा, ऐसा हो जाता है कभी कभार। अब दूसरे कार्ड पे तो आ जाते हैं अपने दूसरे कार्ड की तरफ। इस पे लिखा हुआ है रेड लाइट से आगे नहीं हो रहा है। तो इसमें ही पहले पैनल लगा लेंगे और इसे एक बार एडाप्टर देकर चेक करेंगे। तो ये रेड लाइट पे ही रुका हुआ है, देखो इसमें कोई बूट लिख के नहीं आया हुआ है पैनल पे। तो अब हम पहले इसकी वोल्टेजेस चेक करेंगे। तो ये हमारा मीटर आ गया। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी 12 वोल्ट आ रही है पूरी। उसके बाद हमारी 5 वोल्ट चेक करेंगे, ये हमारी 5 भी बन रही है, 3.3 वो भी बन रही है हमारी। उसके बाद ये 1.8 भी ओके है। फिर हमारी 1.2 नहीं है इस कार्ड के अंदर, मेन दिक्कत ये है। और ये अप डाउन हो रही है, और इसका जो 5 पिन का रेगुलेटर है वो भी हीट हो रहा है। तो सबसे पहले इस रेगुलेटर को हटा देंगे। रेगुलेटर को और उसके बराबर में जो कॉइल लगी होती है पहले उसको हटा देंगे। अभी मैंने कॉइल हटाकर डायरेक्ट वायर लगाई है, उसे चेक करेंगे पहले। जो ऐसा हो जाता है कई बार कि कॉइल शॉर्ट हो जाती है, पर इस कंडीशन में सेम वही है। इसमें वोल्टेज 1.2 बन ही नहीं रही होगी क्योंकि रेड लाइट पर रुका हुआ है। ये देखिए 1.8 है और ये हमारी 1.2 नहीं है। यहाँ पे कभी कभार चांस होते हैं कि जो कॉइल लगी होती है 1.2 पे वो शॉर्ट हो जाती है, तो वोल्टेज पास नहीं हो पा रही होती है, इसलिए वो कम हो जाती है। अब हमने वायर लगाया था डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब वही दिक्कत थी सेम। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास रेगुलेटर ना हो तो आप उसकी जगह पे ये डायोड लगा सकते हैं, 4007। ये रहा 4007 को 1.8 से 1.2 पर लगा दीजिए, आपका रेगुलेटर का काम कर देगा। ऐसा जब करें जब आपके पास रेगुलेटर ना हो
किसी हमारे मैकेनिक भाई के पास रेगुलेटर ना मिले, तो वो एक 4060 डायोड लेकर 1.8 से 1.2 बना सकते हैं। ये रेगुलेटर का ही काम होगा इससे पूरा। देखिए मैं भी लगा देता हूँ। तो ये हमने 1.8 से 1.2 पर डायोड से लगा दिया। अब देखिए हम चालू करेंगे तो, और ये देखिए हमारे पैनल में बूट भी आ चुका है। इसका थोड़ा कनेक्टर लूज है पैनल का, बाकी ये हमारा कार्ड ओके हो चुका है पूरी तरीके से। मैं आपको एक बार वीडियो भी चेक करा देता हूँ इसकी, आ रही है नहीं आ रही। ये देखिए टीवी स्क्रीन पे ये पूरी तरीके से चैनल भी वर्किंग है, रिमोट भी वर्क करने लग गया, इसके अंदर सब कुछ हो गया। तो इसमें बस 1.2 ही मिसिंग थी कार्ड के अंदर, तो वो हमने डायोड लगा के कंप्लीट कर दिया। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो तीसरा कार्ड बॉक्स के अंदर निकला था उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।